वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस इजेंट इट रोमांटिक। ये कहानी आर्किटेक्ट नेटली की है। उसे लगता है कि उसे प्यार नहीं मिल सकता और इसकी वजह है उसकी लुक। वो बहुत मोटी है और इस वजह से उसने अपना सारा कॉन्फिडेंस खो दिया है। जब वो ऑफिस जाती है तो सभी उसे अंडर कॉन्फिडेंट समझकर उससे अपना काम करा लेते हैं। यहाँ तक कि उसकी असिस्टेंट भी उससे अपना काम करवाती है। कोई कभी उसे प्रिंटर ठीक करने को कहता है तो कभी कोई भी काम करा लेता है और वो बेचारी करती है। उसे लगता है कि उसी में कुछ कमी है और इस वजह से अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खो चुकी है। उसी के ऑफिस में काम करता है जॉश। वो हमेशा नेटली के सीट के सामने लगी एक मॉडल की तस्वीर निहारता रहता है। कई बार तो नेटली को लगा कि वो उसे देख रहा है, पर फिर उसे ख्याल आया, भला वो उसे क्यों देखेगा, वो इतनी मोटी है, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो भला कोई भी लड़का उसमें इंटरेस्ट क्यों लेगा। इसी लो कॉन्फिडेंस की वजह से वो मीटिंग्स भी अटेंड नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो मीटिंग्स में गई तो उसका मजाक बनेगा। एक दिन उसकी कलीग विटनी ऑफिस में ही रोमांटिक फिल्म देख रही थी। नेटली ने कहा, ये सारी फिल्में बेवकूफ़ बनाने के लिए होती हैं, ऐसा रियल लाइफ में कुछ भी नहीं होता। इन फिल्में में दिखाया जाता है ट्रू लव, रोमांटिक स्टोरीज़, लेकिन ये रियल लाइफ में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, मेरी लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। ये फिल्में सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं। विटनी ने उसे पूछा, तुम इतनी नेगेटिव क्यों हो, अगर तुम अपना नज़रिया बदलो तो चारों तरफ प्यार ही प्यार है, तुम्हें बस उससे पाने की ज़रूरत है। विटनी ने साथ में ये भी कहा कि हो सकता है कि तुम्हारे आस पास ही प्यार हो, ऐसा भी हो सकता है कि जॉश तुम्हें प्यार करता हो। नेटली ने कहा, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो मुझे क्यों प्यार करेगा और भला मुझ में ऐसी कौन सी खूबी है। एक दिन नेटली के साथ कुछ बड़ा ही अजीब हुआ। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू एक दूसरी ही दुनिया में चली गई। ये दुनिया ऐसा लगा किसी पैरेलल यूनिवर्स में है। यहाँ पहुंचकर उसने देखा कि उसके ज़िंदगी के सारे कैरेक्टर्स, ऑफिस से लेकर घर तक, सब बिल्कुल वही हैं, पर उन सबका बिहेवियर बहुत अलग है। विटनी जो कि उसकी कलीग थी, अब वो उसकी दुश्मन बन चुकी है। डैनी जो उसके घर का नेबर है, वो होमोसेक्सुअल बन चुका है और वो उसे एडवाइस करने लगा है। वो इस दुनिया से बाहर आना चाहती थी। वो समझ गई कि दुनिया फेक है और इस तरह वो रियलिटी में वापस आना चाहती है, पर वो आ नहीं पा रही। उसे रियलाइज़ हुआ है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक ही तरीका है और वो ये कि वो अपनी ज़िंदगी में प्यार पा जाए। उसने सोचा कि उसकी कंपनी का एक बड़ा क्लाइंट ब्लेक, अगर उसका प्यार उसकी ज़िंदगी में आ जाए तो शायद वो इस दुनिया से बाहर निकल जाएगी। उसने ब्लेक के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, पर इसी पर जब उसने देखा कि उसका कलीग जॉश इजाबेला को डेट कर रहा है, तब उसे बुरा लगा। इजाबेला दरअसल योगा एम्बेसडर है। वो लोगों को योगा सिखाती है और फिटनेस के मंत्र देती है। अब नेटली जॉश के लिए फीलिंग तो रखती है, पर वो जानती है कि जॉश उसे कभी मिल नहीं सकता। कहाँ तो वो इतनी मोटी और कहाँ तो इजाबेला जो कि सुपर मॉडल दिखती है। अब उसे लग रहा है कि वो इसी दुनिया में लॉक्ड रह जाएगी, वो इससे बाहर निकल ही नहीं पाएगी। इन सब में जॉश ने इजाबेला को प्रपोज कर दिया है और अब दोनों आज शाम इस चर्च में शादी करने जा रहे हैं। अब नेटली का क्या होगा, वो यही सोच रही है। अब वो सारी उम्मीदें हार चुकी है। इसी बीच उसका पड़ोसी डॉनी उसके पास आया और उसने कहा, मेरा दिल कई बार टूटा है पर मैंने कभी भी प्यार करना नहीं छोड़ा। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता और आज मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में प्यार का इंतज़ार करना चाहिए, एक दिन वो तुम्हारे पास खुद ही चल कर आएगा। नेटली को ये बात महसूस हुई और उसने अपने आप से पूछा, मैं किससे प्यार करती हूँ। उसने अपने आप को ही जवाब दिया कि मैं जॉश से प्यार करती हूँ और अब मैं ये शादी रोक के रहूँगी। अब वो चल पड़ी है जॉश की शादी रोकने के लिए। दौड़ते दौड़ते वो पहुँची चर्च में जहाँ पे शादी हो रही थी। वो यहाँ पहुँच कर चाहती है कि वो अपना प्यार जॉश के लिए सबके सामने कन्फेस करे। चलती हुई शादी के बीच में वो पहुँची और उसने कहा, मैं ये शादी रोकने आई हूँ, जॉश तुम्हें इजाबेला से नहीं मुझसे प्यार करना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं थोड़ी मोटी ज़रूर दिखती हूँ पर मुझे बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। मैं एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट हूँ, सारे काम अच्छे से कर लेती हूँ, सबसे अच्छे से बात कर लेती हूँ, मुझ में ऐसी क्या कमी है। और सबसे बड़ी बात कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इजाबेला से भी ज़्यादा। पर ये कहते ही नेटली को यह महसूस हुआ कि वो सबसे ज़्यादा प्यार तो अपने आप से करती है। और यह महसूस होते ही वो चर्च से बाहर आ गई और उसने कहा, शादी कंटिन्यू। बाहर आके उसने सोचा ये उसने क्या कह दिया, पर उसे महसूस हुआ कि किसी से भी प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना चाहिए, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तब दुनिया ऑटोमेटिकली हमें प्यार करने लगती है। ये बात जब उसे महसूस हुई तभी वो उस दुनिया से बाहर आ गई और उस सबकॉन्शियसनेस से कॉन्शियस वर्ल्ड में आ गई। यहाँ वास्तविक दुनिया में चीज़ें वैसी ही हैं जैसी वो छोड़कर गई थी, सिर्फ वो बदल गई है। अब उसने बहुत कुछ सीख लिया है, अब वो एक कॉन्फिडेंट औरत है। अब उसे कोई भी अपना काम कराने को कहता है तो उल्टा उसे जवाब दे देती है, कहती है तुम्हारा काम है मैं क्यों करूँ, और उसे इतना लज्जित करती है कि वो इंसान खुद ही वहाँ से चला जाता है। और अब वो मीटिंग्स भी अटेंड करती है और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। उसे इस बात का भी कॉन्फिडेंस है कि वो एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट है। अब भगवान ने उसे जैसा बनाया है वो उससे खुश है। अब वो ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि जो जैसा है वैसा है। आज जब वो अपने डेस्क पे काम कर रही थी तो उसने देखा कि जॉश फिर से उसके सामने लगे मॉडल को देख रहा था। उसने जॉश से कहा, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, इन मॉडल्स को निहार के तुम्हें क्या मिलेगा,
अपने काम पर ध्यान दो। इस पर जॉश ने कहा, तुम आकर मेरी सीट पर बैठो और मैं तुम्हारी सीट पर बैठता हूँ। नेटली उसकी सीट पर बैठी और उसने देखा कि जॉश जब उसके सीट पर बैठा था तो उसके ठीक सामने वाले मिरर में सिर्फ जॉश की इमेज दिख रही थी। इसका मतलब जॉश हमेशा से उस मॉडल को नहीं, मिरर में नेटली की इमेज को देखता था। इसके बाद जॉश उसके पास आया और उसने कहा, मैं कभी भी उन मॉडल्स को नहीं देखता था बल्कि तुम्हें देखता था। अब नेटली खुश है कि अब वो खुद से भी प्यार करती है और साथ में उसे जॉश का प्यार भी मिल गया और इस तरह उसकी लाइफ अब बदल गई है। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म की कहानी या वेब सीरीज़ की कहानी आप सुनना चाहें तो उसे भी मेंशन करें, हम उसे भी पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।